और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा को लेकर उपजे नए विवाद की। विधानसभा भवन में एक कमरा नमाज अदा करने के लिए जो अलॉट किया गया है, जो दिया गया है, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का कहना है कि बहुसंख्यक विधायक जो हैं वो मंदिर की मांग कर रहे हैं कि मंदिर का भी निर्माण हो जाना चाहिए विधानसभा परिसर में, तो सरकार इस पर भी पहल करे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी इसको लेकर सियासत कर रही है, हकीकत में ये कोई धार्मिक मसला नहीं है। पहले से भी विधानसभा में एक कमरा आवंटित होता था जिसमें विधायक नमाज अदा करते थे। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह पुरानी व्यवस्था है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के शमशेर आलम ने कहा है कि बीजेपी के विधायकों को पता होना चाहिए कि विधानसभा में कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि विधानसभा के कर्मचारियों और विधायकों को जो पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं उनके लिए एक कमरा आवंटित किया गया है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा 348 TW आवंटित किए जाने के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कल विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आवंटित किए जाने के बाद शुक्रवार को इसी विधानसभा में नमाज भी अदा की गई, लेकिन इसको लेकर बीजेपी तुष्टीकरण की नीति बता रही है। वहीं सत्ता पक्ष इसे धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा रहा है, लेकिन देखना होगा बहरहाल नमाज को लेकर शुरू हुई सियासत अब किस ओर करवट लेती है। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। इबादत की व्यवस्था विधानसभा द्वारा की गई है तो इबादत करने का सबको अधिकार है, लेकिन ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इबादत करने के लिए विधानसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, विधानसभा के अंदर मंदिर का भी निर्माण हो जाना चाहिए, तब यह परिलक्षित होगा कि वर्तमान सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कर रही है, अन्यथा इसे सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की नीति मानी जाएगी। हम लोग किसी के इबादत का विरोध करते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। पुरानी विधानसभा में भी, झारखंड विधानसभा में एक अलग कक्ष था जहां नमाज अदा की जाती थी जो भी इस्लाम धर्मावलंबी थे। बिहार विधानसभा में भी ये व्यवस्था लागू है, वहां भी ये व्यवस्था दिया गया है। लेकिन इस तरह की बातें करके सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करना जो इनका एकमात्र एजेंडा है, ये बढ़ती कीमतों पर बात नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल पर बात नहीं करेंगे, पूरा देश बिक रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद इनका एक पुराना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि विधानसभा में कोई मस्जिद की निर्माण नहीं की गई है, बल्कि विधानसभा कर्मियों और माननीय विधायक जो पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनके लिए एक कमरा मुकर्रर किया गया है जिसमें वो नमाज की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुस्लिम और मुस्लिम समस्याओं के प्रति कभी भी जागरूक नहीं होते हैं, बल्कि उनको अगर किसी तरह की सुविधा दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होना लाजमी हो जाता है। विधानसभा ने चिट्ठी निकाली है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा अलॉट किया गया है, यह बहुत ही दुखद है। विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, इस प्रकार का धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास न हो विधानसभा के द्वारा, अन्यथा जब आप मुस्लिम धर्मावलंबी को दे रहे हैं जगह मुहैया करा रहे हैं तो हम हिंदू समाज के विधायकों ने क्या कसूर किया। मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी कम से कम बड़े साइज का एक हॉल दें, क्योंकि मुस्लिम विधायक अगर बमुश्किल 3-4 हैं तो हिंदू समाज के तो विधायक बहुत बड़ी संख्या में। और इस वक्त रांची से जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे कामरान का, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। कामरान, चूंकि विपक्ष ये कह रहा है कि मंदिर का भी निर्माण हो जाना चाहिए और ये व्यवस्था पहले नहीं थी कि विधानसभा परिसर में धार्मिक मामलों को लेकर कुछ कमरा अलॉट किया जाए, लेकिन सच क्या है? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि पुरानी विधानसभा में भी ये व्यवस्था थी।
बिल्कुल, देखिए विधानसभा स्थित भवन में TW 348 कमरा नंबर जब नमाज के लिए अलॉट किया गया, वहाँ पर जुमे की नमाज अदा की गई, उसके बाद से जो है वो सियासत झारखंड में देखी जा रही है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि अगर वहाँ पर मस्जिद नमाज के लिए जगह अलॉट की गई है तो फिर एक मंदिर का भी निर्माण कराया जाए। इस पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण कराए जाने की जो बात की जा रही है तो मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है विधानसभा में, जबकि नमाज पढ़ने के लिए एक जगह अलॉट की गई है। अब पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी कहती है कि तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष को, जब पहले इस चीज़ को लेकर एप्लीकेशन दिया गया था कि विधानसभा में एक नमाज पढ़ने की जगह मुहैया कराई जाए, उन्होंने इसका आदेश भी जारी कर दिया। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से क्या गुजारिश की जाती है और आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तो साफ है कि फिलहाल विधानसभा में कमरा अलॉट किए जाने के बाद, नमाज अदा हो जाने के बाद, अब जो है वो झारखंड में सियासत अपनी चरम पर है। हाँ, लेकिन बीजेपी इस पर क्या कह रही है? पहले व्यवस्था, चूंकि पुराने विधानसभा में बीजेपी का भी शासन रहा है, तो इस पर बीजेपी कोई जवाब दे रही है या नहीं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये नई परिपाटी की शुरुआत की गई है, जबकि अगर पहले पुराने विधानसभा भवन की बात करें तो नमाज के लिए जुमे के दिन खास करके जो सेशन होता था विधानसभा का, वो आधा घंटा पहले ख़त्म कर दिया जाता था ताकि जिन भी लोगों को नमाज अदा करनी है उन्हें नमाज पढ़ने का वक्त दे दिया जाए। और साफ तौर पर मनोज पांडे जो कि प्रवक्ता हैं JMM के, उन्होंने कहा कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, पहले भी ऐसी व्यवस्था पुराने विधानसभा में लागू रही है। जब पुराने विधानसभा में एक जगह मुकर्रर की जाती रही है कि वहाँ पर जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो है वो नई परिपाटी शुरू की गई है और उन्हें भी एक मंदिर निर्माण की इजाज़त दी जाए विधानसभा में, तभी कुछ बेहतर हो सकेगा। लेकिन अब पूरा मामला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला अच्छा, अगर सरकार का स्टैंड क्लियर है, इंतजार करना पड़ेगा। कामरान, सरकार का स्टैंड क्लियर है, विधानसभा स्पीकर का स्टैंड क्लियर है, तो फिर स्पीकर ने ये क्यों कहा है कि बीजेपी जो फैसला वापस लेने की मांग कर रही है इस पर हम विचार करेंगे? क्या इसकी गुंजाइश बनती है कि यह फैसला वापस भी ले लिया जाए बीजेपी के दबाव में? बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष का जो बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले ऐसी आवेदन किसी की तरफ से भी नहीं दी गई है, लेकिन आवेदन मुस्लिम धर्मावलंबी की तरफ से दी गई है कि विधानसभा का जो नया परिसर है वहाँ से मस्जिद की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि विधानसभा धुरवा में स्थित है। तो पहले आवेदन दिया गया, उसी आवेदन पर कार्रवाई करते हुए जगह अलॉट कर दी गई। और विधानसभा अध्यक्ष का ये भी कहना है कि अगर कुछ नया आवेदन आता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालाँकि अगर बात करें रघुवर दास की, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि विधानसभा अध्यक्ष इस फैसले को वापस लें। इस पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि तमाम मसलों पर बातें होंगी, विचार किया जाएगा और तमाम चीजों पर नजर करने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि जो अलॉट की गई है जो कमरा, उस कमरे को आगे रहने दिया जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि जिस तरीके से कमरा अलॉट किया गया 348 नंबर विधानसभा में, उसके बाद बयान जो है वो लगातार दोनों ही पक्ष की तरफ से आ रहे हैं और सूबे में राजनीति भी कामरान, बीजेपी इसको इस सेशन में जो वर्तमान सेशन शुरू हो गया है इसमें मुद्दा तो नहीं बना लेगी इसी को? ये भी तो मुद्दा बनेगा क्या? देखिए अगर कल के विधानसभा कार्रवाई की बात करें तो कल कार्रवाई भी नहीं चल पाई, जिस क्योंकि शोक प्रस्ताव पढ़ना था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी की तरफ से शोक प्रस्ताव में शामिल नहीं हुआ गया। अब जब ये मुद्दा बेहद गर्म हो चुका है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब वापस सेशन मंडे से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं विधानसभा में इन बातों का भी जिक्र किया जाएगा, क्योंकि अब सदन में भले ही, क्योंकि सदन में अभी कार्रवाई नहीं चल रही, लेकिन सदन के बाहर तमाम चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है करण की राजनीति की, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जब मंडे से सेशन शुरू होगा तो ये मामला फिर से विधानसभा में गूंजता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और ये मामला अब धार्मिक रंग ले रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बहुसंख्यक हिंदू हैं तो उनके लिए भी मंदिर की व्यवस्था विधानसभा परिसर में कर दी जाए, अगर मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई है तो। चलिए रुख करेंगे कुछ और खबरों का, बात बिहार की करेंगे, जहां पर जमीन को लेकर सियासी